एक प्रभु यीशु के मध्यान समय के बाद प्रभु चल रहे पिता होने और उसकी स्तुति आराधना करने का अवसर है प्रभु की कृपा से हमने पाए हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अतुल साल से अनेक जिम्मेदारियों के बीच में प्रभु की आराधना के लिए अपने आप को लिया है, जो आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद देते हैं। आप सब का स्वागत भी करता विश्व के धन्य नाम पे और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम जो भी हो रहा उसके लिए सब पूरा जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आपसे माफी मांगता कुछ इस लाइन को भूल जाता, ये गलत जाता, गलत पिच में जाता, ऐसा नहीं कि तरह की गलतियां एक गलती को कर मैं गलती करता जाता, आप लोग माफ कीजिएगा। उसे तो पता चलता है कि परमेश्वर के दास कितने तैयारी से आए हैं, नहीं उसे पता चलता है कितनी प्रार्थना कितने तैयारी से आया है, ऐसे चीज से पता चलते हैं। तो मैं आप लोगों की प्रार्थना चाहते हैं कि मैं तो आपके दिन सारे चीज से अपने आप अलग रहता, मैं ना बात देता ना सेलफोन को हाथ में लेता, मैं बहुत कुछ नहीं करता, फिर भी लोग फोन करके सब आते रातों रात भी मेरे फोन पे रहना पड़ा तो मेरे सारे ध्यान इधर उधर चला गया। आप लोग माफ करना कि कुछ लोग मुझसे बात करना पसंद करता, इतवार को भी क्या करें प्रभु उसको नाराज नहीं करना चाहता। हम परमेश्वर के वचन में नजर डालते हैं, हम आठवां वचन पढ़ते आज नहीं हमेशा शुरू करते कि सुबह में ऐसा पढ़ा था वैसा पढ़ा था ऐसा सब कहते हम क्या बोला अठारह ही पढ़ा ना तो आप लोग क्या था वो भी तभी में मैंने बोला अठारह वचन पढ़ा था गलत है सही है सही है सही है ना आपने अठारह नहीं पढ़ा था आपने नहीं पढ़ी थी परमेश्वर के दास से कहते हैं दाऊद कहता है यहोवा मेरी चट्टान है। शुरुआत करते हैं ये पूरा बल है उससे वो प्रेम कर यहोवा उसका बल ये राजा है महाराजा है। वो अपने अश्रु के विषय में घोड़े के विषय में नहीं कहता, सेना के विषय में नहीं कहता, हथियार के विषय में नहीं कहता। उसके वो कितने रथ है उसका एक शब्द नहीं कहता, वो कहता ये होगा मेरा बल, ये होगा मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा दर्द है और मेरा चुराने वाला। एक श्वास में वो कहता ये होगा ही मेरा रक्षक है, मेरा चट्टान है, मेरा दर्द है, मुझे चुराने वाला है, मेरा बल का स्रोत है। ऐसा परमेश्वर के दास कहते हैं वो मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सीख खत्म नहीं होता, वो बोलता वही मेरा डाल है। ये डाल जो आप जानते हैं जब कोई आक्रमण करता है तो आप लड़ाते हो या कुछ माला चलाता है तो उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बचाते रखने के लिए जो लॉकिंग का उसको कहते हैं, वो कहते वो डाल है और मेरा ऊंचा गढ़ है। इस जमाने में लोगों को पता नहीं चलेगा ऊंचा गढ़ की मतलब क्या है, क्योंकि हमें आज ऊंचा गढ़ की जरूरत नहीं है। जुड़े जमाने में सारी लड़ाई जमीन पर हुआ करता था, कहां होता है जमीन पर, आसमान से लड़ाई नहीं होता। तुम्हें तो पता नहीं था, तब उनके पास जहाज नहीं था, उनको जहाज नहीं बनाने का था, उसको तो नहीं बनाया था, इसके लिए सारे लड़ाई वैसे जमीन पे हुआ करता। तो लोग ऐसे ऊंचे पर बनाता, वहां पहुंचना और चढ़ना इतने कठिन है मुश्किल है, तो वही उसको पहुंच नहीं सकता। यह ऊंचा गढ़ मेरा परमेश्वर मेरे लिए साधारण गढ़ भी नहीं है, ऊंचा गढ़ है, दुश्मन के पहुंच के बाहर है, वो मेरा डाल है, वो मेरा गढ़ है। मैं होवा जो स्तुति के योग्य उसको पुकारूंगा,
ऐसा पुकार कर मैं शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, बचाया जाऊंगा, मैं धीरे धीरे लड़ूंगा, मैं तीर के बाद तीर चलाऊंगा, नहीं मैं बाकी सारे राजा लोगों की सहायता मांगूंगा, मैं पुकारूंगा और उसमें तो ऊपर इसका काम बहुत आसान लगता नहीं। ये सब अगर कहता है तो सचमुच तो ऐसे सुरक्षित जगह में होगी, तो ऐसे बड़े शांति के वातावरण में अपने आप को चारों ओर से संभाल कर रखते हुए तुम्हारे इसी चेयर में लेट टिककर पैर हिलाते हुए तुम कहता होगा, लेकिन मैं गलत समझा, वो कहते मैं सिंहों के बीच में नहीं क्या, नहीं मृत्यु का रस्सी है मेरे चारों ओर नहीं है, अगर मेरी बाहर भी मुझमें भय भी दिल करता है, पाताल की रस्सी मेरे चारों ओर है, मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे नहीं। ये एक बड़ी खुशी से खुशहाल से रहने वाला एक मनुष्य का गीत नहीं है, इतनी बड़े आपत्ति विपत्ति संकट ऐसी अवस्था में इतने बड़े आपत्ति के बीच में वो कहता मैं पुकारूंगा और मैं बचूंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं दुश्मन को जय पाऊंगा, कैसे पुकारूंगा उसको जो मेरा बल का स्रोत है, जो मेरा चट्टान है, जो मेरा ऊंचा गढ़ है, जो मेरा डाल है, मैं आगे बढ़ता ये सारे चीज पढ़ के आपको नाराज नहीं करना चाहता, मैं अपने आकर वो स्वर्ग को नीचे झुका कर उतर आया, उसके पांवों तले घोर अंधकार था, मैं नहीं ऊंचाई की बात तो सोच भी सकता था, I was not in such a mental condition that I could rejoice seeing such glorious visions, that I could experience His nearness, His close fellowship. मैं इस अवस्था में था नहीं, मैं स्वर्ग के उच्च स्थान पर नहीं पड़ा था, मैं अभिषेक की पूर्णता में नहीं था, मैं इसी अवस्था में था, मैं नजर उठाकर देख भी नहीं सकता था, इसलिए उसने स्वर्ग को झुका कर मेरे पास आया, स्वर्ग वो स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग तक हम देख नहीं सकता, उसके ऊपर विराजमान हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का दास करता मैं जैसे आपत्ति में पड़ता वैसे संकट में वैसे विपत्ति के बीच में तो परमेश्वर को अगर स्वर्ग को झुकाना पड़े तो वो झुकाता, कितने बार हमने उसे भाषण सुने और एक बार ये अपना वचन पढ़ता है तो भूतना समझता है, लेकिन ये स्वर्ग झुकता नहीं, स्वर्ग किसी के भी सामने कभी झुकता नहीं है। Heaven doesn't bow down before any power, any might. Yes. उस किसी के लिए नहीं झुकता। स्वर्ग कभी स्वर्ग इच्छा नहीं करता है, स्वर्ग कभी झुकता नहीं है, लेकिन उसके दासों में सबसे गंभीर दास की आवृत्ति की अवस्था में परमेश्वर स्वर्ग का मोती पकड़कर उसको झुका रहा है। आमीन। वो झुकता है, तार निकला ऊंचाई की है, उसका बड़ी ऊंचे स्तर की मानदंड होता है, लेकिन मेरे लिए वो मानदंड नहीं देखा, स्वर्ग की ऊंचाई को नहीं देखा, पवित्रता को नहीं देखता, झुका था, झुक गया था, इस साल बंदा पड़ा, इस साल बन जाएगा, अगर अधर्मियों में गिन लिया जाता तो अधर्मियों में गिना होना आएगा, अगर अधर्मियों में प्रताप हारा पड़ता तो इसी अधूरे की उसी तंत्र भी आकाश में गर्ज था, इधर वचन आकाश में गर्ज था, एक दास की कराहना सुन, बिगिनिंग ऑफ द साइलेंट ग्रोनिंग ऑफ ए
God saved them and child of God, he shouts and roars in the heavens. Somebody has taken over the battle. Yeah. Somebody has taken over the reins in his hand. Somebody has shouted. Somebody has started shouting and screaming and yelling at the enemy. Whoa, was the artillery car? उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया गहरे जल में से खींच उसका मतलब वो अवस्था में मैं था डूब मरने की अवस्था में मैं था आसमान को झुकाकर मेरे पास आता स्वर्ग कैसे जुड़ा है उसको थोड़ा सा नीचे करके आया स्वर्ग की धार्मिकता स्वर्ग की पवित्रता स्वर्ग का मानदंड अति ऊंचाई वहां मेरे जैसा मनुष्य ना जो बात कर भी नहीं कर सकता I dare not lift my eyes up to him. Because of the height, the dignity, the altitude of his righteousness, of his glory. The Paramahansa was going to come. Paramahansa did dharmi kita. Was to carry on in chukka. Dharmida to chukka, the nature in the heart. फिर भी पहुंचता नहीं है क्योंकि मैं गहरे जल की गहराई में है इस टच को दिस हैंड यस उसने क्रूस पर किया वैसे उसने बाहों की तरह फैलाता है टिल इट रीचेस मी हाथ बढ़ा तो मुझे वही व्यक्ति के दिन में जो मुझ पर आंकड़े और वो होगा मेरा आश्रय उसमें नहीं चढ़ा किया चढ़ाव किया कर दिया मेरा भी कर दिया when I was at my worst when I was at my weakest hour तब दुश्मन ने मेरे ऊपर चढ़ाव किया मेरे कमजोरी को दूर और मेरे संकट के दिन में मेरे परेशानी के दिन में नष्ट और कष्ट के दिन तो दुश्मन उसको हमला किया आक्रमण किया यदि परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया उसे परमेश्वर का दास कर उतना तक हमें आगे बढ़ना है उसने मुझे निकाल कर चढ़ाने स्थान में पहुंचाया उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था कारण यही पता कि परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रसन्न है इतना सब क्यों करता प्रेम ने उसको निबंधित किया इसे अपने बेटा क्रूस पर उसको चढ़ाया प्रेम ने क्रूस पे उसको पकड़ कर रखा प्रेम हालेलुया उसके प्रेम के कारण उसकी प्रसन्नता के कारण उसने ये सब किया अगर था उसमें जाना है तो वचन करके हम जाते हैं वालिता ये भोला मेरा बल है मेरी दार अनंत बात करता है उसके भरोसा रखने से मेरे मन को सफलता मिली है उसने मेरा हृदय प्रफुल्लित है मैंने क्या किया उसका भरोसा तुम्हारी एकमात्र योग्यता है इतने महान परमेश्वर के ऊपर
Even though I can never boast, I will boast about my act of dependence on my blessed Lord. Amen. अहम बात ये शक्ति है गर्व की एक बात है तो मेरा गर्व इस बात में मैं पूरा पूरा आश्रम प्रभु को करता है प्रभु को करता है रहता है वो हो वो अपनी प्रजा का प्राण है वो अपने आप शक्ति के लिए कार का प्रभु बार 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 कहता अपनी प्रजा का बल ये हुआ प्रजा का बल ये हुआ वो नहीं मेरा बलवंत आदमी नहीं यहोवा अपनी प्रजा का बल प्रजा का बल यहोवा है उनका दृढ़ गढ़ है वो यहोवा अपनी प्रजा को उठाकर कर अपने नीचे बात के लोगों को आशीष दे उनकी चवाई कर सदैव में सब पाले रखो ये जो है कुछ तो नीचे बात ये प्रजा के ऊपर इतने जलस्वी वो काम को करते इतने जलस से क्यों काम करता है मानते हो वही कुछ का नीचे बांध पिछले दिन आपने सुना परमेश्वर ये होगा हर देशवासियों के लिए अपना अपना जगह देता नहीं संपत्ति बांट कर देता लेकिन ये होगा ने अपने लिए एक इंच भूमि नहीं रखा जगह नहीं रखा धन संपत्ति नहीं रखा एक जुट को उसके लिए अलग किए हुए पीढ़ी के कुछ लोगों को उसने अपना संपत्ति माना है उसके लिए वो कुछ भी करेगा स्वर्ग को झुकाना पड़ता तो झुकाएगा हाथ बनाकर समुद्र की गहराई तक पहुंचना पड़ेगा तो पहुंचेगा आप भी पुत्री समान संभालेगा क्योंकि उसका निज भाग है उसकी संपत्ति है हम आगे बढ़कर तुमको सचों जो नहीं कि बच्चन पर क्या ले करता है वहां लिखा तीन का तीस तीन है अपने करने का है तो कहते हैं परंतु एक बार तुम्हें चारों ओर मेरी डाल परमेश्वर का दास कथा डाल तो हमेशा ऐसे सामने पाते लेकिन एक बार तो तुम चारों ओर करने वाला है ना उसके बाद आप पांच बजे पर कुछ पढ़ते हो नहीं पांच बजे बारह पर आपको नहीं पढ़ना मुझको पढ़ना जितने कुछ पर भरोसा रखते हो वो सवाल करो प्रभु स्वर में गाते रहे क्योंकि उनके वो संपत्ति को धर्म का होगा तो उसको अपने अनुग्रह दास से लेने लगेगा परमेश्वर का आशीष की दाल है कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सर पे पत्थर नहीं गिरता तो ऊपर देखता नहीं ये जुने जमाने की भाषा है आज के
그런 점 말했네. 그 브레싱으로 인해서 마셨다. 앞잘 때렸던 거 오빠들 게야? 네. 네. 이거 있어서 지금 우리가 내게 앞잘 때. 예. 사람이 빠뜨라기 밀다도. 예. 그래서 주변의 말에 내 로우 마셨던 분들 때다. 그리고 그 스킬이 그 자국 그리고 그 상자 그리고 이라도 때다. 그렇게 쳐다야. 그 스킬. 그게 전세계 파착한 거죠. 그때 세상이 그 파착한 것이 아니고. परमेश्वर का प्यार परमेश्वर की ओसान उसको तोड़ जाता है उसने मेरे पर ये काफी शांत रूप इतना भरोसा सच कर मुझे नेवर वुड एवर डिसर्व आई विल नेवर डिसर्व इट ऑल लॉर्ड मेरा नतीजा नहीं आ रहा है पति साहब आप बात दोस्त हर तुम की बहुत रिपोर्ट इस चेंज परमेश्वर के बारे उसके जन पे अच्छा ताकि आत्मा पैसा काली कर मार खाने से नहीं एक्सीडेंट होने से नहीं बंदा प्यार को नास्तिक से देखो कि वो उसके जो दार है जो करके दार है उसका व्याख्या करके देखा ये दार का मतलब है परमेश्वर की प्रसन्नता उसकी फेवर उसकी करुणा उसकी दया उसकी कृपा वही है दार उसके चारों ओर सोने वाले दार वो है वही परमेश्वर के सिद्धांत का प्यार हम आगे बढ़ते हैं और भी बहुत आगे बढ़ना है हम आते हैं चौरासी में आते हैं क्योंकि हमने आज बाद में वहां भी देखे हैं तो इतने परिचित भाग होने के कारण हमें वहां बहुत ज्यादा समय उठाने की कोई जरूरत नहीं है वहां करते कभी है ऐसा मनुष्य हमें ऐसे कुछ मनुष्य के पास जाकर आया नहीं हमें राजा के पास जाकर आया हालेलुया हमें बापस के पास जाकर आया हमें पता चला ये लोगों में सामर्थ्य नहीं था मेरे घर में उससे सामर्थ्य उनका बल उनमें नहीं है Not the most intelligent man, not the smartest man, not the most powerful man, not the man with the whitest of faith. बहुत ज्यादा वचन जानने वाला आदमी नहीं विश्वास में दृढ़ बनकर रहने वाला आदमी नहीं जिसका बल स्रोत परमेश्वर है वो अति धन्य है वो अति धन्य है ऐसे पढ़ता और वो लोग जो है वो चलता रहता अल्पवाद मरने देता बार बार उधर जाना और आपका समय व्यय करना गलत तो नहीं जानता चलता उनके सामने लिप्स उसके नजर बहुत था उसके लक्ष्य के ऊपर और उसका लक्ष्य सियोन उस सियोन के ऊपर परवाह नहीं करता राह की अवस्था क्या है कभी कभी ऐसे राह से गुजरना पड़ता उसे दिखा आंसू की तरह से गुजरना पड़ता देखना काम करें वो लोग कुछ बुलाते नहीं ये लोग इस कैस्टिक्स मेरे जीवन में ऐसा क्यों है बाकी लोगों का जीवन रहता सारे
कमेटी में है क्या नहीं है वो विषय नहीं है, आप पैर में है क्या नहीं है वो विषय नहीं है, आप लोग का नेतृत्व में है नहीं है वो विषय नहीं है, अब आपसे देता है वही देता विषय नहीं है, आप प्राचीन में गिरा गया है वही गिरा गया विषय नहीं है। अगर आप परमेश्वर को अपना बल का मूल अपना बल का स्रोत जानते हो, परमेश्वर से निरंतर उसका विषय अपने जीवन में बोलते रहते हो, आप बाकी लोगों में से अधिक धन्य है। बहुत कुछ नहीं पढ़ा हमने, वो बच्चों से थोड़ा बहुत देखा नहीं, वो कहते होगा तुम्हारा शरण स्थान कर रहा है, तुमने जो परम प्रधान को अपना खाम मान लिया, ये बात को हम समझते हैं, वो हो ये मेरा उद्धार विश्व मसीह तेरे परम प्रधान को अपना तुम्हारा आश्रय स्थान नाम पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु ने आपका आश्रय आपका दान आपका सामर्थ्य का स्रोत बना है, अर्थात मैं तुझ में वास करके तेरे संग रूप
इसके कारण तो सिर्फ और नाम को कुछ लगा है। कारण क्या है? उसने मुझसे प्रेम किया है। You've returned my love. Yes. मैं प्रसन्नता इसलिए मैं उसकी सहायता करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करता है। The best that I can ever do is with all my limitations, with all my infirmities, I choose to love him. सारी मेरी कमजोरियों बट जितना कर सकते उतना मैं उसे प्रेम करना चाहता हूँ। एकमात्र योग्यता, एकमात्र योग्यता जिससे ये कनेक्शन जारी रहता है। There is a ceaseless flow of his favor. From the very throne of God into the broken life. मैं पिछले दिन कहा कि हम शायद गाएंगे, गलत गाएंगे, फिर भी गाएंगे। वो गीत मुझे इतना खास नहीं लगता, लेकिन एक शब्द से मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ। तो क्या प्रार्थना हूँ तेरे शरण में टूटा हूँ मैं। मुझे लगा मेरा गीत है टूटा हूँ मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा तेरे शरण में टूटा हुआ खुदा क्योंकि मुझे पता है तूने मेरे विषय में तो तुमको आज्ञा दिया है। योना के समान है कम से कम बच्चे को तैयार करो, उसको पकड़ लो, जैसे ऊपर से गिरने वाला नेट में पकड़ते हैं। दो दिन पहले जो विषय में एक बच्चा छोटा बच्चा 12 साल की बच्चा उसको आक्रमण किए था कि तो चिल्लाया और अपने आप को वो क्रूर इंसान देखा, क्रूर मालूम नहीं ऐसे बेकार इंसान, उसके हाथ से बचने के लिए वो ऊपर से कूदी मारी। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे जो कारखाना छोटे छोटे वर्कशॉप है उधर का वो एक बड़ा प्लास्टिक शीट पकड़ के देखता वो कूदी मारता ऐसा पड़ा उसमें गिरा प्लास्टिक शीट टूट गया जमीन पे गिरा लेकिन मरा नहीं। समस्याओं को देखता, तब
क्रिया को भी तकलीफ देता, लेकिन एक अदृश्य सेना, स्वर्गदूतों की सेना जो चारों ओर अपने छावनी बनाते हैं। इसलिए विश्वास करता एक मनुष्य के लिए सिर्फ एक स्वर्गदूत ही नहीं नियुक्त किया जाता, ओ प्रभु, कभी कभी एक से अधिक, आमेन, एक से अधिक स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता। आपके पास दो स्वर्गदूत नहीं आते, आए थे कभी कभी दो उसके ऊपर दूसरा बैठ गया, उधर लिखा है स्वर्ग को मेरे पत्थर को हटाया उसको बैठा, तो जिसने हटाया वो भी बैठा होगा। मैं जब आपको कुछ करने के लिए आलसी लोगों के लिए झगड़े में दिखा रहा हूँ, चाव यस क्या लोग पता है वह भी नो भी तो यू आर ऑलवेज इन द कंपनी ऑफ एंजल्स। हम भी आप जाने न जाने आप सर्वदूतों के बीच में, आमीन, एवरी टाइम ऑफ गॉड सराउंडेड बाय एन आर्मी ऑफ एंजल्स। जुड़े जमाने के समय जुड़े जमाने में जैसे सर्वदूत लोग प्रारी करते तब ऐसे सर्वदूत लोगों को आज काम नहीं करना पड़ता। क्यों है? क्योंकि जो सर्वदूतों आगे था वो यहाँ है, अब अपने संतान के भीतर वास कर, इसलिए आज कल उन लोगों के पास छाप रखा। कौन हो गया? मजाक नहीं है। पहले के जो ससुर दूसरे जगत में इतना कार्य नहीं था, क्योंकि एक से बढ़कर एक सिंह के समान इधर परमेश्वर को दास दासियां करा है। यह हमें इंडिया करने को ऊपर करा है, तब तो स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है? स्वर्गदूत भी नहीं होता। यह ओ प्रभु, मैं कहते यहाँ के अनेक संत लोग स्वर्गदूतों पर निश्चित था। यस लॉर्ड, उसने स्वर्गदूत लोग विचार करके देखा, स्वर्गदूत लोग ने कहा तो जो भी से बनाए हुए लोग हैं, हम लोग इतने माइटी, हम इतने सामर्थ्य है, हम इतने ऐसे जगह में प्रभु के हस्ती में बैठते, ये कीड़ा जैसा लड़का, ये कमजोर, हमने इतने हिम्मत से कैसे कही है भीतर चुनाव। यस लॉर्ड, हालेलुया, आप प्रभु अभी कल उस शब्द बोल मेरे पास आकर देखा, मैं तुझे उस बात पर दूंगा, मैं बड़े गौरव से बड़े गर्व से गौरव देगा उल्टा है। मैं शर्मिंदा हो जा रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास में करा नहीं रहा, मैं प्रभु के संदेह पर नहीं चला, इसके लिए दूध पड़ा पड़ा के पास में दूध नहीं आता, मेरी और चलता है हो जाए।
आपने आज विभाग में 84 में पढ़ा, सारे लोग वे सब जो परमेश्वर का अपना दल था स्रोत मानता सियोन में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। हमें God because of their strength, not because of their right, not because of their might, but because of their trust, which the master, आधा पैसा नहीं सोचा, उसमें खासियत तो कुछ नहीं, एक श्रापित वंशी की लड़की मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। इतने पीड़ित तक यरूशलेम में नहीं घुसना, इतने श्रापित है, दस पीड़ित तक, दस पीड़ित छोटा समय नहीं। ओ ऐसे श्रापित वंश तुझमें मैंने इतनी बड़ा कसित देखा है, पर मेरे उस के पंख को तल आश्रय कराई हुई लड़की है। बॉबस की दृष्टि में सबसे बड़ी योग्यता यह इतिहास बॉबस the greatest qualification for me to draw from his resources is my utter helplessness and my utter dependence on him. मेरी कचौरी और उसके ऊपर का मेरा आश्रय। यहां कहता है कि वो क्या करेगा, तेरे पंखों तले सरेंडर, पंखों तले में सुरक्षित। कितनी तरह की सुरक्षा है पता है, डाल है बुच्छा है चट्टान है रोचित है ऊंचा दब है सामर्थ्य का स्रोत है। हमें हमें अभी पंखों से उड़ देते हैं अब चलते हैं कि अरे वो कल मुझे आते जैसे मुर्गी के पंखों के नीचे अपने आप को सुरक्षित परमेश्वर को पुकारूंगा।
तो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध है। अमीन, अमीन। Perfect, perfect, sorry me. Yes. वो स्वर्ग से बेचकर मुझे बचा लेगा। अमीन, हालेलुया। ये मेरा निकालने वाला निकल करता है। The one who wants to devour me, threatens me from the nearest possible. मैं तो खा नहीं सकता, तो प्राप्त नहीं कर सकता। Suddenly वो स्वर्ग से बेचता। वासो। तारुआ प्रार्थना करता था। नहीं, मिठाई आया। आया? अरे जबरे को आने को नहीं मिलता। हाँ वही बोला बीच में उसके साथ उसको चलना हो रहा था तो मिखेल आया। हाँ मिखेल आके उसको चुराया। हाँ तो आया होगा ना। फिर गिर गया है वो कबरा। आया होगा तो देखने में कितना टाइम लगता है तुमको। पर जरा फटाफट देख के वो इतना डर करके आने का सोने का नहीं कुछ नहीं इसके बाद तो उसको बीच में सजा मिली। हाँ आ मिलता मिलता तुमको समय मिलता वही मिलता अरे दानियल के पुस्तक में ज्यादा अध्याय तो ही नहीं यार। नौ दस में से दे दो ना क्या है तुझे पता नहीं तो उसको छोड़ दे दिया छोड़ते भूल नहीं करता उसको आ रहा बंदा था कैबिनेट में तो बोलते जो कैबिनेट है अच्छा भाई बोलना सही बोलता है जो पढ़ते ना वो बच्चे नहीं पढ़ना पता है जैसा तू आवाज हो जाता है उठा के फेंक दीजिए दूसरा माइक दे पहले से मुझे मालूम था ये माइक सर सीधा है ठीक नहीं आप गला का है माइक के ऊपर दो सारों करते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാനൊരു ഭയങ്കര സാധനം ആയിപ്പാൽ വന്നത് മീഖായൽ अरे ये आदमी आता था ये छोटे चीज है क्या आप लोग सोचते गब्रियल को परमेश्वर ने बोला जाओ मेरा दास बुढ़ने पे जा रहा है नहीं मेरा दास बुढ़ने पे जा रहा है तू जा स्वर्ग से बेचकर मेरे पास सहायता बेचता हूँ स्वर्ग से बेच वो आदमी आता तो पारसी का प्रभु उसको छोड़ता नहीं गर्दन दबाता उसको पकड़ता उसने चिल्लाया परमप्रधान से चिल्लाया आया मिखाएल नहीं पार से प्रभु का गर्दन दबाया नीचे से लात मारा और उसको जुड़ा किसी बात तो जब्रियल आया सहायता करने यस जब्रियल सहायता करने के लिए आया संदेश पहुंचाने के लिए संदेश पहुंचाने वाला आदमी कौन है जब्रियल है जब्रियल हिंदी में जब्रियल बोलता है जब्रियल हां जब्रियल हां जब्रियल बोलता है जब्रियल बोलता है हिंदी में भी हिंदी का जब्रियल है हिंदी में जब्रियल है नहीं जिब्राइल जिब्राइल हां अभी याद आया जिब्राइल जिब्राइल
मैंने अपना क्या बिगाड़ा है? भेजा कब का पता है? जैसे कुंडने पे गया निंदे प्रार्थने आरंभ तन्ने निंदे प्रार्थने आरंभ तन्ने अवन स्वर्गति अयचु अगर थोड़ा सा विलंब होता है उसका मतलब है लड़ाई चल रहा है। आप लोग मेरा देर से नहीं आया होगा, अभिषेक की कमी है, महसूस करता हूँ गलती बिल्कुल नहीं है। अब आपको दोष नहीं आरोप करना, सारी गलती में लड़ाई चलता होगा। इसीलिए हमने बच्चे में पढ़ा, मैंने पुकारा, तूने लड़ाई शुरू किया, तुम्हें उसे गर्जने देखा, तू आसमान को झुकाया, तू तीर चलाने देखा, अग्नि उठाने लगा रही है। विलंब होता तो उसका मतलब मेरा लड़ाई, मैं जो खुद लड़ने का था वह मेरी ओर से परमेश्वर की सेना लड़ रहा है। ऐसा लड़ाई होता है, एक चीज पक्का है, ये लड़ाई में जीत तो मेरा होगा। आमीन। क्योंकि लड़ने वाला मैं नहीं, यस मेरे लिए और कोई लड़ रहा है, वो परमप्रधान है। आमीन। परमप्रधान है। हमारे सारे समय खत्म हो चुका है, बेबे बड़ी शीघ्र गति से आगे बढ़ना है। बाकी सब हम नहीं पढ़ेंगे, नीति वचन का कुछ पढ़ने का नहीं। आप लोग हमेशा गीत गाते हैं, नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइटर्स आर हियर टू बी एंड दे आर सेफ। ऐसा कुछ होगा, वो हमारे लिए परमेश्वर का नाम एक ऊंचा गद है। हम बाकल के अंदर अपने आप को छुपा देता है और हम चल पाता हमें हम सुरक्षित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम शमूएल को बाइबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम उत्पत्ति के विस्तार में जाते नहीं पढ़ूंगा, उत्पत्ति का विस्तार खोलना भी मना है यहाँ, उत्पत्ति का पुस्तक खोलना ही मना है, खोलना मना है। मूसा ने कहा अभी आज मत पढ़ो, इसने कहा मूसा को क्या अधिकार है, उसने लिखा है, उसने हाय हाय 10% से ज्यादा यूज कर नहीं संत शैतान आइए कहता नंगा कर परमेश्वर की सृष्टि को नंगा कर, परमेश्वर को सृष्टि को पाप में फंसाया, स्वर्ग चुप नहीं पड़ते। मेरे प्रिय जनों चुप नहीं बैठे, मुझको और आपको नंगा देख परमेश्वर आराम नहीं कर सकता। गलती मेरा जरूर है, पाप मैंने किया, लेकिन आसमान झुकाना पड़ा उसको, क्योंकि वो बाग में बारी में पाप घुस गया, पाप घुस गया, मरी मर गया, उसका और स्वर्ग के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। स्वर्ग को जो खाया के कारण परमेश्वर के दृष्टि से दूर होने के कारण अपने आप को लज्जित होकर छुपाया था, लेकिन प्रभु शैतान के सामने मुझको और आपको लज्जित होकर नंगा होकर रहने
अध्याय में आज 15 अध्याय में नहीं जाना बना है कुछ लोग फिर भी मेरा आज्ञा के खिलाफ उन्हें सब जाता है गलत है आप आपके पास प्रवेश आप आपको लिखता उसके नौकर लोग जाकर लड़कर जीत मार के आए नहीं वही होगा ना वही हाँ वही हूँ नहीं बात गलत ना नहीं है चलो 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 आप पूछोगे आप आज दोषा खाया है वो अंत तक सुनाई देते बराबर हाँ अरे मैं पूछता आप लोगों को सुनाई देते क्या आओ बोल ऐसा फिर चिल्ला के पूछता क्या वजह टूटते रहते नहीं देखने को बोला रहा मंत्र लड़के आया जीत क्या आप उसमें जो निकल पहले पहले हाँ बराबर पहले यार हमारा काम हमारे ऊपर जोर देना है चार राज्य खिलाफ पांच राजा लोग लड़कर पूरी तरह हार गए नहीं हाँ पूरी तरह हार गया सब चीज नष्ट हो गया इब्राहिम लेने को जाता कुछ नौकरों को लेके जाता अरे चार महान राजा लोगों के विरोध में पांच राजा मिलकर लड़कर हार गया वहां इब्राहिम अपने घर के कितना रथ है कितने घोड़े हैं उसके पास जानवर है बहुत दो पैर वाला भी है चार पैर वाला भी है बहुत है किसी जी तो बहुत कहते हैं मैं तेरे लिए कौन है धार है कौन है और तेरा पृथ्वी पर भी हूं हमें अब्राहम को बताने की जरूरत था अब्राहम ये जानता था क्या हाँ जानता था किसने कहा आपको अब्राहम जानता था इसीलिए वो 250 लेके इतना चला अरे पेचरी ले अरे अब्राहम जानता था उसका पैर का स्रोत गोली हो जाता उसके चारों ओर परमेश्वर का जाल है हो जाता उसने हिम्मत किया आप भी हिम्मत समाचार सुनाने वाली जहां सब लोग जानते हैं उसको लोग उसको कुछ कुछ नहीं आया आप लोग को लेके गए ये देखिए आप लोग विमेन डॉट बोर्ड आप लोग अंदर गए तो वहां सभा चलता कुछ वचन सुनाया सब कांग्रेस लोग है इसमें सब पहली बार मेरे जीवन में छोटा निरीक्षण था पहली बार मैंने फ्रिज से निकाला हुआ ऑरेंज खाया क्या है फ्रीज से निकला हुआ ये जहाज में जो भी मिलता है वो फ्रीजर की चीज है
ना हमारे घर में फ्रिज फ्रिज है, ना हमारे कोई मित्रों के घर में फ्रिज है, ना हमारे शहर में फ्रिज है। वो जमाने की बात है, मतलब जमाने की बात नहीं। आधा मेरा दोस्त था तो ये खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फल फ्रिज में रखे, वो जमाने में ना वो ऑरेंज ही बहुत मीठा है, ऑस्ट्रेलिया से आया है उधर से ऑरेंज अच्छा होगा, और ये फ्रिज में रखने से और बड़ा स्वादिष्ट बन गया। उसके बाद उन्होंने हमको खाना किया, आपको तो ना पूरा नहीं है, इतने दूर से जहाज लेके आया, आपको मुफ्त में खाना, मुफ्त में ऑरेंज, मुफ्त में ठंडा पेय मिला उस दिन। मैं इसे सोचने लगा तो मुझे पूरा पूरा लग जाता। तभी एक लड़की खड़ी हुई हमारे मनोरंजन के लिए गाना गाते, उसने ये गीत गाया, जीसस फ्री फ्री You have received freely, freely gift. तो बात करें गीत गाया नहीं सुना नहीं, लेकिन ऐसे ही गाना है तो क्यों ना बुलाना गाना है। प्रभु करते मुफ्त में ये प्राण तो मालूम है, ये मुफ्त में जीता है। सब लोगों को रहेगा मंडी से बड़े खुशी से पार्टी करते हैं, लेकिन मुझे पता था ये रिजल्ट मेरा नहीं है। हालेलुया, मेरे आंखों से आंसू बह रहा है, मैं चिट्ठी के कारण में गया, मैं कृपा में रोया, मैं कहा तू ऐसा क्यों किया प्रभु, ये तो पार्शियलिटी है, तू भेदभाव करता है, चीज बोलते रहने जा तो हमारे पास समय नहीं होगा, हमें बहुत शीघ्र आगे बढ़कर एक एक वचन पढ़ के भागना है। हमें कहा जाना है, व्यवस्था विवरण में जाना है। आप लोग बोल दिए अगर हाँ अच्छी बात है, कहते यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब को उसका नापा हुआ देखिए बात है, प्रभु लॉर्ड पोर्शन इज हिज पीपल, जब किस अलौकिक नबी थे उसने उसको जंगल में देखा था, सुनसान प्रदेश में देखा था, गर्दने वालों से भरी हुई मरी भूमि में पाया था। नहीं ये हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं है, वो हाउलिंग आवाज सुनने वाली रेगिस्तान में रात को ना बड़ी ऐसा आवाज होता है, डरावनी वाली आवाज होता है। That is because of this sand hills है ना, उधर बहुत sand hills है, और एक जगह पे इतना प्रेशर हो जाता है, मरुभूमि ऐसा है, रात दिन में बहुत गर्म और रात में इतना ठंडा ऐसा होता है, तो बाहर की जगह गर्म और मरुभूमि एकदम ठंडा है, तो हवा बोलता है, जो गर्म है उधर से हवा बोलते है। ऐसे ये जो हिल्स है क्या बोलते उसको, रेती 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 पहाड़ी ऐसा है, उसके भीतर से आते ऐसी आवाज, डरावना आवाज है, बहुत डर जाएगा, ऐसी आवाज है ना, बड़ी गंदा भरी भूमि, क्योंकि उधर से मैंने कुछ कुछ चुन लिया, कुछ अच्छी जगह से नहीं, कुछ अच्छे अवस्था में नहीं था, वैसे मैंने उसको चुन लिया, जंगल में से लेकर आया, सुनसान जगह से लेकर आया, नहीं चारों ओर लेकर उसकी रक्षा की, चारों ओर डाल है उसका मतलब अब मैं समझता, परमेश्वर स्वयं उसकी उपस्थिति है, That is a shield all around me. Amen.
लेकिन इनको दिखाने के लिए प्रकट में दिखाया, जब मिस्र की सेना अथ परमेश्वर यहोवा आगे से हट कर करेंगे उसको रुका करे परमेश्वर सिर्फ आगे ही नहीं चला आगे बढ़कर चलते मुझको राह दिखाए मन पे सदा गलती के लेकिन आगे चलने वाला कभी कभी जब आपत्ति निकट आता ये ऐसा डाल है किसी ने ऐसा डाल नहीं बनाया कि पीछे से क्योंकि भाला चलाए तो ऐसा डाल परमेश्वर है अमें 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 You can never access you from any angle. Yeah. Narashi ki baat ho, Sangar ki baat ho, Parajay ki baat ho, Nashtal, Kashtal, Klesh ki baat ho, Bimari ki baat ho, Hallelujah, kuch bhi ho! Parmeshwar chaaron, aur uske swargdoot log aapko ghere hue rahenge. ऐसे परमेश्वर यहोवा स्वयं था जैसे आप अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर से बांध लाता है और उसी ने अपने पंखे फैला कर उसको अपने पैरों पर उठा लिया यहोवा के लही उसकी अगुवाई करता है तो काप की तरह पंखों तेरे आश्रय देखने का तभी समझ में आया समझ में हमारे जो बात दे देता रूप ने नवमी में क्या देखा ये बल देखा ये बल देखा ये आशा इसलिए वो नवमी के सत्र रहना चाहता नवमी का परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाना चाहता नवमी के जेल के बीच में रहना चाहता नवमी के जैसा मरना चाहता उसने देखा तीन मृत्यु देखा जैसे परमेश्वर के जल मारते उसने देखा हमारे उसका ही 33 में आता है बहुत 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 मशहूर वचन इतने सुंदर वचन है वो अबे कितने बार वो पढ़ा होगा मुझे पता नहीं मैं बचपन से ये वचन पढ़ता बार बार पढ़ता यीशु ईश्वर के तुल्य कोई नहीं वो तेरी सहायता करने को आकाश पर अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता इसका विवरण अपने बजट में पढ़ा जो ऊपर ईश्वर आसमान में चलने लगता है कुछ भी चमकता है मैं तो गर चुका है आसमान से गर चुका है तीर चलता है अग्रिमन तीर चलता है परमेश्वर किसके लिए करता जो उसकी दृष्टि में धर्मी ठहराया गया यीशु भटकने वाला कमजोर परमेश्वर कहते तू मेरी दृष्टि में यीशु मेरी प्रजा है मेरा नीचे भाग है तेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है Your safety is my responsibility, sister. You are shielded from all apart. आगे से पीछे से भाइयों से दोनों से ऊपर से नीचे से you are shielded and protected by the wings of the Almighty God and the angels of God the entire army of God has encamped all about you anadi parmeshwar tera kripadhaami niche sanat ucha पिछले दिनों में जो भी सुन के आया मैं सोचता था कि उसको सब सम्मुख करने का प्रयास करें लेकिन आज नहीं शुरुआत से मैं सोचता था कि जो प्रभु ने सुनाया ये बात के ऊपर प्रभु ने दृढ़ता से बात अनादि परमेश्वर
अनादि से ये सारी योजनाएं बना वो बनाया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा प्रभुत्व है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा उद्धार में उसका धाम बनाया, उसके कारण वो मेरा भी धाम बन गया है। अगर वो सुरक्षित है तो आपकी कुंडली है, उसको भी तो परमेश्वर उसको ऐसा सुरक्षित रखता उत्तर सुरक्षित मेरी प्रभु का, क्योंकि मैं उसके को उसके पंख के भीतर चट्टान के भीतर इसराइल निडर बसा रहता, क्यों निडर बसा रहता, क्योंकि चार प्रॉलिस शील्ड अमें अपने पापों के आर में छुपा के हालेलुया, because it faces the storms all over the world. He doesn't wage a single war all over the world. He's never rendered helpless at any point in his life. He's never rejected, never forsaken by his keeper. उसको सुरक्षा करने वाला उसको कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता, whether he deserves it or not, whether he experiences it or not, whether he feels it or not. Hallelujah. You are the center of God's arm. परमेश्वर की सेना के चावड़ी के बिल्कुल बीच में आप हैं, बिल्कुल बीच में आप हैं। हमें आगे बढ़ने का जरूरत है, नहीं नहीं पूछेगा तो भी आप कुछ नहीं बोलते, उसका मतलब उधर ही खड़ा रहो। आप जाते हैं, आप एशिया में जाते हैं, ये लोगों को पकड़ के भाषण देने का आदत थोड़ा कम है मुझे, लेकिन चलता है तो हंसते पर्वत के एक एक करके ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो दुबे का बादल, रात को तत्कली आग का प्रकाश सृजे, समस्त वैभव के ऊपर एक पट छाया कर, नॉट इन रेस्पॉन्स टू माई आस्किंग, मेरे विनती के उत्तर में नहीं है, यह भगवान की ओर से। चिन्ह जमाने में जब शादी हुआ करता था सिख समय में सिख तो हमारे गांव में की शादी के बाद तो पति पत्नी थे, दूसरा कोई एक चस्से पकड़ के दे गया, मैं सोचता मैं हमेशा चत्री के नीचे चलता, there is a canopy सबके ऊपर क्या होगा लिखा है, नहीं नहीं पर आपका जिम्मेदारी थोड़ी है वो पढ़ने का, समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहे, all this protection, the entire heaven is overshadowing. This is no ordinary shielding. This is no natural protection. मेघ है, अग्नि का खंभा है, चट्टान है, उसके ऊपर all the heaven has, all the protection that heaven can boast about is made available over and above all these provisions. स्वर्ग दूतों की चावड़ी स्वर्ग से बेचता है, जब ये आता मिथ्या है उसका वादा भी आता। दानियल है, दानियल का गार्डियन एंजल उसका देखभाल करने के लिए जो
जो देव स्वर्गदूत है उसका नाम क्या है? पानी पीने के लिए ये सब है, इसको मालूम है उसका नाम। उसका नाम लिखा है, उसको कैसे मालूम? तो इसके लिए मालूम है कि बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है? दानियल को सुन रहे मुझसे लड़ने को नहीं आना, टूटो कुछ पहले निकल आवाज़। देखते तेरा स्वर्गदूत बिठा है। अच्छा तो तुम जब अवधि में पढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ रुकावट आओगे तो नॉट अदर देन माइकल हिमसेल्फ विल डिसेंट। गैब्रियल को क्या, उसका बाप को भी ऐसा बोल नहीं सकते कि उसका बाप नहीं है। राफायल को पकड़ के रखे, तू भी उड़ियल को पकड़ के रखे, सब स्वर्गदूत का काम है। जो कहा है कि बाइबल में नहीं, बाइबल के साथ साथ लिखे हुए अनेक लिखित है, उसमें ये सब चीज पाया जाता है। क्या उड़ियल है, राफायल है, सारे लोग एल 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 ऐसे ज्यादा करके नाम है। क्यों है? एल परमेश्वर। हाँ, तो परमेश्वर का दूत लोग है ना, सबका सर नहीं। बचने का है तो आपको कोई पूछेगा आपका दूध का नाम क्या, बोलेगा सर ये एक एल ऐड कर लीजिएगा। बोलते कौन सा भी एल चलेगा, सनी एल नहीं चलेगा। हमें कहा जाना है वो गुरु, उसका 26 मिलाना है। इससे आपको 26 मुझे नहीं लगता, हमारे पास इतना सब समय है इधर उधर जाने के लिए। 26 का नौ से हाँ नहीं नहीं नौ पर तो चल जाने का। यहोवा तेरा हाथ बड़ा हुआ है, वे देखते नहीं है। अमें तेरे पैरी आज से बस बोल के तू हमारे लिए शांति फैलाएगा। मैं शांति का वक्ता इसलिए बनता, हालेलुया, हमने पिछले दिन सुना शांति का वक्ता बनना है तो लड़ाई जीत कर बनना है। इतना हिम्मत से क्यों सुना था? जब मैं लड़ने से डरता या लड़ाई में पराजित होने को आता, परमेश्वर हाथ बढ़ाता। यस Hallelujah. Every time heaven senses a weakness in my hands, heaven stretches forth his mighty right hand in my defense. जब मेरे जीवन में एक कमजोरी स्वर्ग को पता चलता था, वो स्वर्ग सारी सेना था दुनिया नहीं देखता, लेकिन तू हाथ उठा कर ही बैठा है। अतीत में आकर एक वचन पढ़ता, कहते ऐसा भी हो सकता, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारा उपदेश नहीं चिंता रहे। आज विवाद में हम देखा इस सफर में, सीओ की सफर में मेरे जल आंसू की तराई होती है। सगी के सफर में कभी 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 कठिनाई परेशानी, तेरा उपदेश तुझसे छिपे नहीं है। हालेलुया, रात दिखाने वाली तारा चमकता है। हालेलुया हालेलुया, तुम चलते रहोगे, उपदेश छिपी नहीं रहेगा। हालेलुया, चाहे प्रभु तुम्हें उपदेश की रोटी दे, थोड़ी तुम्हारे उपदेश में कभी कभी नहीं तेरे उपदेश छिपे रहेंगे। जब कभी तुम कहीं नहीं हम भाई और बोलने लगा तो तुम्हारे पीछे से बच्चे तुम्हारे खान में पड़ेगा, मार ये भी है इसे पर चलूं। अगर पीछे से वाणी आता है उसका मतलब जो कोई बोलता वो मेरे पीछे है। आमेन। यस
हालेलुया मैं उसके पीछे होकर से चलना चाहिए था अब लोग नहीं थक गए मैं भी थक जाऊंगा अब थकेगा तो मैं भी थकूंगा अगर मैं प्रभु के पीछे से होकर चलने वाला आदमी है तो बाये और दहिने मुड़ने में मुझे सत्य आएगा नहीं आएगा ओ प्रभु हमारे गाड़ी को पीछे करना ठीक है गाड़ी को पीछे पीछे करते हैं ऐसी अवस्था कभी कभी जीवन में आता है दर्शन नष्ट होता है लक्ष्य से हम भटकते हैं तो भी प्रभु पीछे से वाणी सुनाकर सही मार्ग में दोबारा लौटकर लेके आएगा इसलिए पीछे से वाणी है इसलिए पीछे से कारण क्यों है क्योंकि मैं पीछे होकर प्रभु अपनी प्रजा से प्रसन्न है आमेन प्रभु का निजवाद अपनी प्रजा है प्रभु का निजवाद अपनी प्रजा है अभी आपको वहां से और भी कुछ पढ़ना है तो आप पढ़िए मेरे पास समय नहीं है हम आगे बढ़कर बहुत जल्द मत्ती में घुसने का प्रयास करते हैं तो जो जो टिक मारा है वही पढ़ने के साथ लोगों को मालूम है लेकिन आज मैंने जो टिक नहीं मारा वो भी पढ़वाया उसका दो कारण कारण आप बोल सकता है क्योंकि वहां नहीं पढ़ा हुआ था गाना है एक बजे जाएगा अच्छा नहीं है ना आप लोग इतने प्रैक्टिस करके आए दूसरा बड़ा कारण आपने कहा कि वहां पढ़ने का था वहां समय नहीं मिला इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है इससे नहीं आप मत्ती में आते हैं मत्ती क्या कहते हैं मत्ती कहते हैं परमेश्वर पुत्र कहते हैं मैं तुझे अद्भुत पेड़ों के बीच में डोरे की तरह बेचता अभी तक सब सही था जो जुना नियम में हम पढ़ के आया बहुत मजा है आसमान से तीर चलता नहीं अग्नि का तीर चलता है बड़े बड़े अग्निमय हथियार चलाता है नहीं गर्जता है हाथ उठाता है दुश्मन को चकनाचूर करता है कितने मजा है इब्राहिम अपने नौकर चौकरों को लेकर जाता तो भी स्वर्गीय सेना लड़ता और वो उसके लिए डाल करके होता आराम से जीता कितने अच्छा सारी भाई परीक्षा में भी ऐसा हक लेकर जी गया था बहुत अच्छी बात है लेकिन आप वातावरण पर प्रकट अब एक स्वर्गदूत उत्तर कराने वाली बात नहीं है असलियत में परमेश्वर स्वयं तुझ में वास करता के बीच में दोहरी की तरह बेचता कई गुना ज्यादा सामर्थ्यवान दुश्मन के बीच में बेचता बाल तो भी नहीं माफ कर सकता ऐसा नहीं लिखता आप बोलेगा मेरे पसंद है वो आपको अरेस्ट करेगा आपको खींच के लेके जाएगा सर उसमें लिखता है लिखा है बाल तो नहीं चोरे ये ना लिखा है वो इतना हो गया सब लेकिन तुम डरोगे हाँ बिल्कुल यस तीन तो सिंह हो रहा है अमेर अभी आसमान से नहीं कर तुम्हें चिंता नहीं करना क्या बोलना नहीं बोलना सिंह बोलेगा कहानी आपको पहले बताया कि त्रिशूर शहर के लड़का का था वो हमारे मिलिट्री में था वो बदला आने वाले नहीं बोलते
इंडिया पाकिस्तान वार में पकड़ा गया, पाकिस्तान ऐसे सोल्जर्स को लेके जाता है, यह निवासन कुछ बोलता उर्दू में बोलता, जो परम प्रधान को अपना आश्रय में लाया है कैसे बोल ये बचे खूब डर गया इसको निकाल, क्योंकि उसके उर्दू में परम प्रधान को लाहू है, तो उनको ये मुसलमान को लगा ये अपना मानुष है, इसको अलग कर दिया छोड़ दिया। हाँ प्रभु हालेलुया, सही शब्द निकलोगे आमेन, सही शब्द निकलोगे आमेन, निकलोगे आमेन, होली गॉस्ट विल बी सक्सेस आमेन। आप कुछ इतना नहीं करना, आप सोचो बहुत समय लगेगा, लेकिन भक्ति कितने आसानी से ना, मैं भी आ गया तो मेरा समय इससे फटाफट फटाफट में आगे बढ़ता, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है, हम अठारह में आता नहीं प्रभु दस में आता, कहता एक छोटे को भी तुच्छ न मानना, क्योंकि उसके लिए भी स्वर्ग में दूत लोग हैं, उसके विषय में ये छोटू ये कमजोर ये बेकार ये नकम हाँ निकम्मा निकम्मा नारायण उसको भी तुच्छ नहीं मानना, क्योंकि जब मैं तुम्हारे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया था, वैसे ही इसके विषय में भी आज्ञा दिया है। नहीं, जब तुम लड़ाई के लिए निकला, तेरा विषय में मैंने जैसे स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया था वैसा तेरा ये भाई वो ऐसे जगह पे जाकर रहता है, वह नमक खराब है सब कुछ है, लेकिन मैं तो उसके विषय में भी आज्ञा दिया, जब वो परमेश्वर का मुख देखने का लायक नहीं है तुम उसका रिप्रेजेंट किया, परमेश्वर का मुख मैं न्याय को सामना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे वॉकिंग का सुना पाल की वाला व्यक्ति सुना था सुना नहीं ये गाना यार शायद मैं गलत बोलता नहीं सुना किसी ने भी नहीं सर एक बात बड़े मशहूर है उसके पास जो भी केस जाता वो जीतता, उसको कोई कोर्ट में पराजय नहीं दे सकता, लेकिन वो उतना अच्छा उसमें जब पता चलता ये सचमुच गुनहगार है उसका केस वो ज्यादातर लड़ता नहीं, क्योंकि लड़ेगा तो वो जीतेगा। ओह यार हाँ यार लड़ेगा तो जीतेगा ओ प्रभु मेरा वकील ऐसा है अमर एक केस नहीं लड़ता ओ प्रभु इफ ही इज बेस्ट अगेंस्ट द वॉर He will point his fingers to the stream of blood that keeps flowing from the pure chest of my Lord. अरे वो किस रास्ते पर आता तो यीशु के हृदय से बहने वाली लहू की नदी की ओर उंगली उठाकर कहेगा, It has been paid for. Amen. Amen. Yes. स्तुति यीशु करना किसी को तुच्छ अगर किसी को तुच्छ मानने का अधिकार यीशु ने नहीं दिया तो मुझको अपने आप को तुच्छ मानने का अधिकार यीशु ने नहीं दिया है। यस ओ प्रभु हालेलुया जब मैं अपने आप को तुच्छ मानता उस अर्थ है मेरा वकील जो वहां है वह सामर्थ्य नहीं है वह काबिल नहीं है अपने आप को श्राप देता रहता उसका मतलब है ऊपर जो स्वर्ग दूत है मेरे लिए तो कुछ काम नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता तू मेरे पास
समय में ये पूरे इस चीज को समाप्त करने के लिए कितनी सारे की सुरक्षा चाहिए मुझे किस किस तरह की सुरक्षा चाहिए भटकता तो वहां सुरक्षा है नीचे गिरता तो वहां सुरक्षा रास्ता छूट जाता तो वहां सुरक्षा हमें इधर उधर दूर चले जाते तो धन्य और बाहर और दोबारा चला ऊपर से सुरक्षा पर से गर्जन और उसके ऊपर इतने बड़ा फेनोपी महिमा की फेनोपी है नीचे सनात बुझा है नीचे सनात बुझा है the net that never fails is underneath me हालेलुया कौन सी सुरक्षा की कमी है हालेलुया बताओ रे सही नहीं है नजरें कौन के लिए तो पूरा स्वर्गीय सेना छावनी में रखकर बैठा है ये शब्दकोश की कमाल है अभी यहाँ आपने प्रेरितों की किताब से पढ़ा इसलिए मैं नहीं पढ़वाता एक शब्द नहीं दोहराता पत्र साफ स्वर चार तारों के बीच में नहीं सांकली से ऐसा चक्कर पर रखा है उठना पढ़ने में बहुत मजा आता है जैसा यीशु फसल का पर्व के समय पकड़वाया गया वैसा इसको भी पकड़वाया जैसे यीशु को पर्व के तुरंत बात खत्म करना चाहा वैसा इसको भी मुझे वो पर्व के बहुत आनंद होता वैसे ही चाहता था यीशु के समान बनना चाहता उसने कहा तेरे संग बढ़ना जैसे यीशु को पकड़ा वैसे उसका भी गिरफ्तारी हो जाए जैसे यीशु को वो लोग न्याय किए वैसे उसका भी न्याय किए गए ऐसे ही फसल का पर्व उसका भी बर्बाद हो जाए वैसे उसका चाहत था उसको आराम से स्वतः होने दे होने दे होने दे कलीसिया की कराबिना स्वर्ग के एंटीना ने खींच लिया अरे मिखाएल यीशु है करके उसको पागल करके नहीं बुलाया पर आप बुलाते और कोई यीशु तो मैं भी मार कर तू क्या कर रहा है पत्र उसका दे बहुत फल उसका वध किया जाएगा तू बोलता है उसमें क्या है वो चाहता है उसने सेवकाई को पूरा किया तेरे सवाल उसको करना है तो उसके लिए उसको प्रार्थना करते हुए आपसे हर एक कलीसिया प्रार्थना कर रहे हो अरे पत्र चाहते भी नहीं है आवाज दिन में कुरिचा आवाज ने धूल और पानी में गल पे क्यों अबे और ना चाय जो है ना क्यों ना मेरे का आग्रह में लेके पोलो मेरी मिट्टी में क्या पड़ो ऐसे में तो नाम दे आमे आमे अबे ओ आपकी सुरक्षा नहीं चाहता होगा तभी लेकिन ये ऐसा नहीं है उसको बार बार के उठाना पड़ता कितने तक चलाने के बाद वो होश में आ जाता है उसको एक सपना है हालेलुया ओ प्रभु यस मैं आपको क्या कहता है क्या संदेश पहुंच जाते हो मुझे पता नहीं मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ ये सारे चीज बोलने में लेकिन मैं इतना आपको बोलना चाहता हूँ There is no way. Oh. You can make yourself insecure. तो अपने आप को ये सुरक्षा के बाहर नहीं कर सकते आप सुरक्षित हैं आप सुरक्षित हैं हालांकि ये आपकी सुरक्षा प्रभु की ओर से है हमें इब्रानी में जाते हैं तब करना है इसके लिए मैं नहीं चाहता इतना आज से दौड़ने का लेकिन आप सब जानते हैं इब्रानी में कहते हैं परमेश्वर जो अग्नि ज्वाला समान स्वर्ग दूत देता है उसको अपना सेवक बनाता है परमेश्वर के सेवक है परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है लेकिन उसके चौथा वचन में पढ़ते हुए लोग आपके सेवक है
Amen. 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 उसके बाद में दो शकिल आके आपको खुश कर देंगे, ठीक है। सोलह से पढ़ना है परिषद तो अपने से हो चलो। इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वर्षों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शब्द को बीच में परमेश्वर कुछ बात उसके जन के साथ करता शब्द के साथ। परमेश्वर को शब्द करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो शब्द ये बात को पक्का और पक्का ताकि वो दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर को झूठा ठहरना अनहोना है दृढ़ता से हमारा साधन स्वान जाए तो शरण लेने को। इसलिए दौड़ है कि उस आशा को तो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। We have been raised in hope। अब आशा को जिलाए गए ये आशा को ऐसा दृढ़ कर दिया है, इतना पक्का किया और तो आप सुरक्षित है। हालेलुया, आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में है। हिल चाल में तो स्वर्गदूत लोग आप चट्टान पर है। हालेलुया, मेरे पंखों की पंखों से मैंने आपको ओढ़ कर रखा है। हालेलुया, सारे स्वर्गीय सेना चाली लगाकर आपके चारों ओर है। आप अगर आप तीर भी नहीं चला सकता तो स्वर्ग से मैं चलाऊंगा। अगर आप ऊपर की ओर देख भी नहीं सकता तो मैं स्वर्ग प्रभु ने हमें चिल्लाया है और ये आशा हमारे प्राण का लंगर है। इतने बड़े जहाज जो है ना, बड़ा जहाज होते छोटा सा नहीं होता जहाज। आप लोग शायद बड़ा जहाज को नहीं देखा, इतने बड़ा होते हैं। एक लंगर से दो लंगर से इतने बड़ी तूफान इतनी बड़ी आंधी में इतने गहरे समुद्र में वो सुरक्षित रहता। ये आशा ही हमारे लिए लंगर है। ये आशा लंगर है प्रभु में जो आशा है सुरक्षा के जो मुर्गे का दिया है। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने वाली बात नहीं है, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने वाली बात नहीं है। पर्वता के भीतर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने वाली बात है। आमेन। What is the access? Can you decide in your life? कहां तक प्रवेश चाहते हो? ओ प्रभु, आगर की प्रवेश, पवित्र स्थान की प्रवेश, अनिवार्य स्थान की प्रवेश नहीं, शक्तियों की जगत तक नहीं, परमप्रधान, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर की ऊंचे सिंहासन तक आपको प्रवेश दिलाने वाली आशा का लंगर है। आप सुरक्षित हैं। You have been shielded. You have been protected. Hallelujah. Eternity without beginning. परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो भी
हम शैतान के भीतर अपने आप को छुपाते हैं, फिर भी दर्शन नष्ट नहीं हो, उपदेश चिपी नहीं रहे, आसी की तराई से गुजरना पड़े तो कभी लड़ाई के मैदान में उतरना पड़े तो भी प्रभु के पास तेरी सुरक्षा मेरे कदम पर चारों कदम इस जीवन को ले गए, इस कमजोर जीवन को, इस बेकार जीवन को, इस पलड़ी जीवन को ले ले, इस पराजित जीवन को ले ले, इस तुच्छ मारी गई जीवन को ले ले, और हम की पुत्री समान तेरे पंखों तले तेरी सलाह तेरी पूजा के ऊपर तेरी महिमा के बैग के नीचे सोनी चांदी के बिल्कुल के त्रिभुज में उसे रख याद दिलाते रहा तेरा स्वर्ग दूंगा तेरा भूल देखता है उससे बढ़कर मेरा उद्धार करता मेरे लिए बीच में ही कर रहा है प्रभु।